बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हम अपनी बात आज की ये जो बात है वो शुरू करें उससे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, इन लड़कियों की बात सुनिए। जातिवादी शिक्षा है, जातिवादी शिक्षा है, राजू मांगते। जब भी एससी एसटी कास्ट की बात आती है उनका पूरा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो भेदभाव करते रहते हैं जातिवाद में। कहते हैं कि एस सी कास्ट के लोग निचली होते हैं, एससी एसटी कास्ट के लोग गंदे होते हैं, निचली जाति के होते हैं, ऐसे कहते हैं। और बोलते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की पहले बाबा साहब के गले में हार डालती है, उसके बाद लड़के से शादी करती है। इस टाइप के उनके कमेंट्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, एससी एसटी कास्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर। इस टाइप से नहीं बोला जाता, और सर गालियाँ भी देते हैं स्टूडेंट्स को, इस टाइप से नहीं बुलाया जाता ना। ये लड़कियां बता रही हैं कि किस तरह से एक शिक्षक जो है वो इन्हें क्लास में उनकी जाति का नाम ले लेकर उन्हें पुकारता है या उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है। सर तो जैसे कोई भी क्लास में जाएंगे तो किसी को तो ऐसे मतलब बोलना भी चाहिए, लेकिन मतलब मेरे कह के बुलाते महार लोगों को, ऐसे तो बोल सकते कि बौद्ध समाज के कौन कौन है वो खड़े हो जाते। मैं हाँ यहाँ पर मतलब बोलते हैं कि मेरे कौन कौन है खड़े हो जा। और एक बार जब क्लास में आए तो सर क्या बोले, मेरी कंप्लेंट हो गई है बोले। और इसके बाद बोले जब मतलब और कंप्लेंट करूँगी बोले मैं जेल जाऊँगा बोले, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं तो वापस आ जाऊँगा बोले 2-3 महीने में, लेकिन इसके बाद तुम्हारा क्या होगा या फिर तुम ऊपर भी पहुँचा सकता हो। धमकियाँ भी देते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, जब तक कि लड़की और लड़कों को गालियाँ तक देते हैं और स्टूडेंट लोगों को भी नहीं देते, अबे तुबे करके बुलाते। किस टाइप से गाली देते हैं, किस टाइप से बोलते हैं, बोल नहीं सकते ना हम लोग। अभी 2-3 दिन की बात है कि एक लड़की को क्या, एक लड़की को तो नहीं बोला, लाचार शब्द बोले थे, ये कोई प्रयोग करने का यहाँ पे, वो भी लड़की को। और ऊपर से बोलते कि बाबा साहब ने सबको लड़का लड़की को दोनों को हक दिया हुआ है कि मारने का नहीं, क्या सबको हक दिया बराबर का हक, तो दोनों को मारूंगा बोलते हैं। ऊपर से ऐसे भी बोलते हैं और वैसे भी, और महार करके तो कभी नहीं, मेरे करके बुलाते हैं। लड़कियों पे भी हाथ चढ़ाते हैं क्यों? बराबर का मार, छड़ी से मारने वाली बात अलग है, उनके हाथ में खड्डा आए बैग आए वो कुछ भी नहीं छोड़ती। सोशल साइंस पढ़ाते हैं सर, सोशल साइंस पढ़ाते, लेकिन उनको खुद ही को नहीं पता कि संविधान किसने लिखा। उनको उनके वजह से नौकरी कर रहे हैं, उनके वजह से खा पी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको ही बोलेंगे क्या? आज मृत्यु हुई थी उनकी, तो किसी ने यहाँ पे बोला नहीं कि आज उनकी मृत्यु हुई है गाय के। और बाकी लोगों की सबको ये बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोले आज हमने और संविधान दिवस भी नहीं मनाए थे। अच्छा ये बताइए कि इस तरह का व्यवहार सर के द्वारा कितने दिनों से किया जा रहा है? ये व्यक्ति जिसका नाम राजीव वैष्णव है, ये खुद भले ही ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण मानसिकता से पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि ये मामला बालाघाट का है और बालाघाट जिले के रामपायली का ये जो स्कूल है, जो कन्या स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पर ये पदस्थ है। ये बंदा जो है न सिर्फ शिक्षक का काम करता है बल्कि ये पुजारी भी है, और एक मंदिर में ये पूजा का काम भी करता है। इसकी जो मिसेज है, इसकी जो पत्नी है, ये भी एक हॉस्टल में हॉस्टल अधीक्षिका के रूप में तैनात है, या यूँ कहें कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं। और ये जो इसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता जातियों को लेकर कितनी विकृत है, आप इन लड़कियों की बात सुनकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस तरह से वो बाबा साहब को लेकर उसकी मानसिकता क्या है, ये भी आप इस व्यक्ति की जो हरकतें हैं उससे समझ में आ सकता है। ये मामला कल उठा और ये तब की बात है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस जो है, तमाम लोग उन्हें याद कर रहे थे, नमन कर रहे थे, उस समय ये लड़कियां जुलूस निकालकर इस शिक्षक के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। और ये प्रताड़ना का वो हद है जिसे पार करने के बाद ही इन लड़कियों को सड़क पर आना पड़ा। निश्चित रूप से यहाँ पर कोशिश की गई होगी कि वो मामला स्कूल में ही सुलझ जाए, लेकिन जब मामला हाथ से निकल जाता है, जब बात आगे बढ़ जाती, तब जाकर
जो लड़कियां हैं खासतौर से छात्राएं हैं उन्हें सड़क पर आना पड़ता है। इन्होंने जाकर वहां के जो पुलिस विभाग है वहां पर एक ज्ञापन सौंपा, मगर कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने प्राचार्य से इस बारे में बात नहीं की। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि कभी प्राचार्य से इस बारे में बात नहीं होगी या फिर स्कूल में कुछ ऐसी बात नहीं हुई होगी, क्योंकि वहाँ की शिक्षिका भी जो है ऐसा आरोप लगाते हुए नजर आती हैं। हम बच्चों ने बताया था तो मैंने सर से शिकायत किया था, यानी कि हमारी क्लास की एक दीदी है, उन्होंने अपने घर पे बताए थे तो 18 सर को, उन्होंने दीदी ने बताए थे तो 18 सर से उनके मामा जी ने बात किए थे तो 18 सर ने प्रिंसिपल सर को बताया था, फिर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। सर सर ऐसा बोलते हैं कि उनके बोलने से बच्चे खुद डर जाते, दूसरे सर को बताने जाएंगे तो फिर और वो सर धमकी देते हैं बच्चे, फिर हम लोग डर जाते हैं। ये शिक्षक जिस राजीव वैष्णव की बात हो रही है ये एक दिन की छुट्टी लेकर वहाँ से गायब है। एक दिन की छुट्टी 5 दिसंबर के लिए है, लेकिन ये 6 दिसंबर को भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ से नदारद है। उसके बावजूद जो है उसके साइन उसने पहले कर रखी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिना स्कूल के जो प्रशासन है उसके मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। जी अभी 17 बच्चियाँ आई हैं शासकीय कन्या, तो वहाँ पे एक शिक्षक हैं राजीव वैष्णव करके, उनके खिलाफ इनका कहना है कि ये जाति सूचक शब्द बोलते हैं और परेशान करते हैं, उस संबंध में एक ज्ञापन दिया है जिसकी जाँच की जाएगी। आज शिकायत जो प्राप्त हुई है उस पर से कार्रवाई की जाएगी जाँच करके। सर जिस तरह से मांग किया जा रहा है बच्चों का, बोला जा रहा है कि इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, तो पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? ये संबंधित विभाग का काम है और हम जाँच करके संबंधित विभाग को सूचित करेंगे। बालाघाट ज़िले में जाति को लेकर प्रताड़ना की बात कोई नई नहीं है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से जिला कलेक्टर एक स्कूल में गए थे और वहां पर एक आदिवासी शिक्षिका को किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाकर और परीक्षा लेकर तमाम बच्चों के सामने किस तरह से अपमानित किया था, और ये आरोप उनके ऊपर लगा था कि उन्होंने ये सब कुछ जातिगत दुर्भावना की वजह से किया है। तो ये जो मसला है इस बार, चूँकि एक शिक्षक ने भी इस तरह के जातिगत दुर्भावना को लेकर जो विद्यार्थियों के लिए जो कमेंट्स किए हैं, जो जिस तरह से उन्होंने बच्चों से ये बात की है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि जिला कलेक्टर जो हैं वो इस पर संज्ञान लेंगे और वो इस शिक्षक को खासतौर से ऐसी मानसिकता वाले शिक्षक पर कार्रवाई करेंगे। लंबे समय एक बार दो बार चले गांव का मामला है, गांव का टीचर है, चाहे तो सोचते रहते पढ़ते है तो स्कूल में तब चुप रहते ये हड़ताल में कर रही है। हर इस प्रकार का जातिगत जो वैष्णव सर बाबा साहब को ऐसे बोलते जातिवाद पे लाते हैं कि ये सब नहीं बोलना चाहिए, और जो सर 3 बार सस्पेंड होने के बाद भी आ रहे हैं, सर का क्या उद्देश्य है? लेकिन हम चाहते हैं कि इस बात को ऐसा ना करें कि सर को सख्त सख्त सस्पेंड इसकी कार्रवाई की जाए कि सर इस प्रकार से क्यों बुखार कह रहे। ये सारा जो प्रकरण है ये राजीव वैष्णव सर के द्वारा किया गया है। छात्र छात्राओं को आए दिन वो प्रताड़ित करते थे, उनको बुलाते थे और पूछते थे महार कितने हैं, चमार कितने हैं और महरे कहाँ, यानी तुम किस छोटी सी जाति से आए हो और इस स्कूल में बैठ रहे हो, यानी सभी छात्रों के बीच में मानसिक रूप से उन छात्र छात्राओं को उतने यानी बच्चों के सामने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करते थे, जिससे वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनको स्कूल आने में दिक्कतें होने लगी थी, वो शर्मिंदा होते थे बाकी छात्रों के बीच में जब उनसे ऐसी बातों में सर उनसे पूछते थे, तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति जो बोलना चाहिए कि जो सारे प्रकरण पर आगे का निर्णय आपका क्या कदम है? आगे हम लोग ये चाहते हैं कि जिस टीचर के माध्यम से यह आए दिन यहाँ पे छात्र छात्राओं के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे टीचर को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए। हम यही सोच को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, दूसरे टीचर आए और अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। यहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही है ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से घटित हो रही है, और जो वैष्णव राजीव वैष्णव है उनके द्वारा लगातार जातिगत टिप्पणी और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई जिससे पता चल रहा था कि वो कितने बड़े अंबेडकर विरोधी है, जबकि उनको ये भी नहीं पता है कि वो यहाँ पे ओबीसी उनकी यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे
जो वर्ग है ओबीसी लिखा हुआ है, तो उनको ये भी नहीं पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इन ओबीसी वर्ग के लिए 1952 में अपने कानून पद से भी इस्तीफा दिया था और सबसे पहले आर्टिकल 340 लिखा, तो ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता है। उनको उनके माध्यम से यहाँ के बच्चों के अंदर जातिवादी मानसिकता कहीं ना कहीं डाली जा रही है और जो जो शेड्यूल कास्ट है उन बच्चों को एकदम से टारगेट किया जा रहा है कि तुम मेरे हो, तुम ये हो, तुम यहाँ पढ़ नहीं सकते, तुम गाली गलौज, तुम सारी चीज़ें। तो मैं अपने संगठन के माध्यम से और आपसे सबसे आपके सामने बताना चाहूँगा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो भीम आर्मी अंतिम तक लड़ेंगी और हम भीम आर्मी सभी बच्चों के साथ है, उनको आश्वासन देंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, संगठन आपके साथ हमेशा है। जय भगवान। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये जाति को लेकर जो दंभ है, जाति की जो एक उच्च जाति का होना या फिर उच्च जाति वाली मानसिकता से ग्रस्त होना, ये बड़ा विचित्र मामला है, खास उस शैक्षणिक संस्थाओं में जब ये बात उसके दिमाग पर हावी हो जाती है तो वो स्वाभाविक तरह से उस मनुस्मृति के अनुसार आम लोगों के साथ व्यवहार करने लगता है जैसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से व्यक्ति व्यवहार करने लगता है और ये शैक्षणिक संस्थाओं में ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही है। हाल ही में एक खबर चल रही है जिसमें ये बताया गया कि आगरा में एक मेडिकल के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो जातिगत तौर पर प्रताड़ित हो रहा था। वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो उनके सहपाठी हैं, उन सभी के माध्यम से वो जातिगत तौर पर प्रताड़ित हो रहा था। ये कोई नया मामला नहीं है, रोहित मेमुला और पायल तड़वी से लेके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस फहरिस्त में शामिल है। अगर हाल ही की बात करें जहाँ पर राजस्थान में एक घटना सामने आई थी जब उसने मटकी छू ली थी बच्चे ने और उसे टीचर ने इतने जोर का झापड़ मारा था कि वो उसकी जान चली गई। तो ये स्थितियाँ हो रही हैं। अभी हाल ही में एक और मामला नज़र आ रहा है जिसमें वर्धा जो विश्वविद्यालय, वर्धा की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक PhD के छात्र रजनीश कुमार आम्बेडकर के साथ एक अजीब घटना हो रही है। वो PhD के स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी थीसिस जमा कर रखी है, उसके बाद भी जो है उन्हें अपना गाइड बदलने को कहा जा रहा है और ये वो वक्त होता है जब वो गाइड बदलना संभव नहीं होता है और ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन उन्हें ये कहा जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी क्योंकि उन्होंने उस महाविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में कभी माननीय कांसीराम साहब की जयंती मना ली थी, इतना ही उसका दोष है और इस वजह से उन्हें अब प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह से उनके ऊपर ये कोशिश की जा रही है और ये वो प्रताड़ना का की हद होती है जब कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट को गलत कदम उठाना पड़ता है और वो स्थिति रोहित वेमुला जैसी हो जाती है। समाज को इस बारे में समझना चाहिए और वक्त रहते अगर इस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो हमारे होनहार छात्र इस प्रकार के कदम नहीं उठाएंगे और उन्हें वो बच सकते हैं। ऐसी घटनाओं पर हमें संज्ञान लेना चाहिए, समय रहते इस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।